नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। KVS और NVS वैकेंसी 2022, आज का जो वीडियो है वो KVS और NVS वैकेंसी 2022 के लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है। तो एक RTI का जवाब आया है, RTI किसी व्यक्ति ने लगाई थी, उसका जवाब जो सामने आया है, उसका जवाब जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। RTI का जवाब निकल कर सामने आया है। क्या जवाब आया है, क्या कारण है भर्ती नहीं आने का, क्या कारण है KVS और NVS की भर्ती लंबे समय से नहीं आ रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो RTI के जवाब में सामने आया कि वैकेंसी तो बहुत सारी हैं, 3 साल के लगभग, 3 साल से भी ज़्यादा का समय लगभग हो गया है, तो वैकेंसी तो हैं, बहुत से लोग रिटायर्ड वगैरह हो रहे हैं, तो वैकेंसी तो जायज़ सी बात है, वैकेंसी तो हैं, तो आखिर कारण क्या है कि वैकेंसी नहीं आ रही। लेकिन नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये नहीं कहा जा सकता। RTI के जवाब में आया है कि वैकेंसी तो बहुत सारी हैं लेकिन नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा ये हम कह नहीं सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है तो प्यारे दोस्तों, तैयारी तो हमें करनी है, सलाह यही है कि वैकेंसी तो आएंगी, कभी भी आओ, चाहे वैकेंसी कभी भी आओ लेकिन आएंगी ज़रूर। तो यही सलाह है कि हमें तैयारी में लगातार जुटे रहना है, जैसी भी तैयारी चल रही है और ज़ोर शोर से हमें तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए हम अपना 100% प्रदर्शन कर पाएँ और सिलेक्शन करवा पाएँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।